अलकुम वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पोट्री और ये पोइटरी को के एग्ज़ाम्पल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं अशार के उनके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भई पोइटरी के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं कौन सा इससे कोई पैसे मिलने लगे है? कौन सा हम इससे कोई कमाई करने लगें आप हैरान होंगे कि आजकल कल की कितनी डिमांड है एक्चुअली ओवरऑल क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है उभर रही है और हम देख रहे हैं कि जो जॉब मार्केट है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है तो अगर आपके अंदर ये एक क्रिएटिव स्किल है तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए पीपल आर हंग्री फॉर क्रिएटिव कॉन्टेंट उनको बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं शायरी अप्रिशिएट करते हैं हमने पहले भी बात की कि आजकल तो एस एम एस भी बड़ी शायरी मिल रही होती है एक दूसरे को आप सोशल मीडिया में शेयर कर रहे होते हैं और अगर औरिजनल शायरी हो तो फिर क्या मज़े हैं तो हम फिर कंटिन्यू करते हैं अपने जो मुख्तलफ हमने टाइप्स ऑफ पोइट्री है उसके बारे में हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं मगर अब हम आपके साथ थोड़े से एग्जाम्पल्स शेयर कर रहे हैं अगली वाली जो है वो है जी हाइकू पोइट्री दिस इज़ अ जैपनीज़ फॉर्म ऑफ पोइट्री ये तीन लाइनों की होती है जिसमें विच हैज़ अराउंड फाइव सेवन फाइव मोरास मोरा uh, क्या होता है वो एक यूनिट होता है यानी कि सिलेबल की तरह होता है मगर एग्जैक्टली exactly एक सिलेबल की तरह नहीं होता बट uh, इसकी कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है तो अंग्रेजी में लोग कहते हैं कि द क्लोजेस्ट थिंग टू द ट्रांसलेशन ऑफ अ मोरा इज सिलेबल तो हाइकू का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फॉलिंग टू द ग्राउंड आई वॉच अ लीफ सेटल डाउन इन अ बेड ऑफ़ ब्राउन तो आपने देखा कि जो सेकंड और थर्ड लास्ट है वो राइम कर रहे हैं पहला वाला नहीं है और जिसको हम शॉर्ट स्टोरी कहते हैं दिस इज़ लाइक अ शॉर्ट पोएम तो हम बेसिकली बात करते हैं कि जो हमारे तीन सेंटेंसेस हैं उनमें हमने पूरी की पूरी कहानी जो है वो हमें पता चल गई है इन तीन सेंटेंसेस में कि यानी कि पत्ता जो है वो ज़मीन पे गिरा है बहुत सारे और जो पत्ते थे उनके ऊपर और वो जो बाकी पत्ते थे वो भूरे रंग के थे यानी कि ख़ज़ा के पत्ते थे तो कितना कुछ हमें सिर्फ इन तीन सेंटेंसेस से पता चल गया इसको हम हाइकू कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है ख़ास तौर पे जैसे कि हम देखते हैं कि अटेंशन लोगों के पास जो है वो कम होता जा रहा है वक्त कम होता जा रहा है वो जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं इसलिए हाइकू जो है वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा है अगला जो हम बात करते हैं हम बात करते हैं जी उर्दू शायरी की और हम सबको बहुत पसंद है अहमद फराज जो हैं वो हमें बहुत पसंद हैं तो एक थोड़ा सा एक उनके चंद अशार जो हैं आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि जब तेरा दर्द मेरे साथ वफ़ा करता है एक समंदर मेरी आँखों से बहा करता है जब ख़जा आई तो लौट आएगा वो भी वो बहारों में ज़रा कम ही मिला करता है तो उर्दू शायरी में भी हम देखते हैं कि रिदम और राइम है जज्बात का इजहार होता है आप लोग तो बहुत पढ़ते होंगे हमें तो अक्सर और आजकल तो अहमद फ़राज जो है वो बहुत पॉपुलर है खास तौर पे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे अक्सर हमें नजर आते हैं रूमी हैं अहमद फराज़ हैं फैज़ अहमद है फैज़ हैं इकबाल हैं आ, ये ऐसे शायरे गालिब हैं जो कि बहुत ज़्यादा कोट किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे मिलते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी ऐसा लिखें कि लोग हमें भी कोट करें तो ये क्रिएटिव इंस्टिक्ट आपके अंदर भी होगी इसको ज़रूर उजागर कीजिए लिखिए किसी भी जबान में लिखिए अंग्रेज़ी में लिखिए या उर्दू में लिखिए उर्दू शायरी जो है वो आजकल ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो सारे उर्दू या हिंदी बोलने वाले ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है तो आपके पास एक बहुत बड़ी पापुलेशन है जो कि उर्दू पढ़ती भी है और समझती भी है इसी तरह बट ऑबियसली इंग्लिश हैज़ अ मच लार्जर ऑडियंस अगर आप ग्लोबल ऑडियंस के लिए लिखना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो ज़्यादा मुफीद होती है तो हम वापस अंग्रेज़ी की तरफ चलते हैं और अगला जो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर मीटर्स मीटर्स की हमने पहले बात की तो सब बहुत सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो आयाम्बिक पेंटामीटर होता है उसके कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स आपके साथ शेयर करेंगे क्यों कर रही हूँ मैं इसको क्यों लेकर आ रही हूँ इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और uh, जो एक बहुत वास्ट एक पोट्री की जो फी फील्ड है यानी इतनी वो ज़्यादा बड़ी फील्ड है इतने ज़्यादा इसमें क्रिएटिविटी इतने मुख्तलिफ़ इकसाम हैं कि उसमें से जो मैं आपको चुन के वो दिखा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और जिनको आप इस्तेमाल करके यू कैन बिकम पॉपुलर योर सेल्फ एंड योर राइटिंग कैन बिकम पॉपुलर लोग आपको अप्रीशिएट करेंगे आपकी लिखाई को अप्रीशिएट करेंगे तो, आप तो आपकी लिखाई को शेयर करना बड़ा आसान है और जब लोगों को पता होगा कि आप अच्छा पोइट्री uh, लिखते हैं तो आप पोस्ट राइटिंग भी कर सकते हैं अपनी जो अशार हैं उनको uh, शाया कर सकते हैं एक किताब के ज़रिए तो हम वापस आते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर की तरफ तो एक एग्ज़ाम्पल दो अगेन uh, शेक्सपियर बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको तो उन्हीं का हम लेते हैं बट सॉफ्ट वट लाइट्स थ्रू विंडो ब्रेक्स इट इज़ द ईस्ट एंड जूलियट इज़ द सन रोमियो एंड जूलियट का एक सक्सर्प्ट है अगला पढ़ते हर वेस्ट लिवरी इज़ बट इन ग्रीन एंड नन बट फूल्स डू वेयर इट इट ऑफ अगर ये पूरे पूरे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका पेंटामीटर है जैसे कि आपको पता है कि स्ट्रेस्ट अनस्ट्रेस्ट इसका रिदम होता है उसी रिदम में उसी हिसाब से ये लिखा जाता है पाँच के मीटर में होता है पाँच मीटर्स होते हैं इसके और आयाम्बिक होता है जो उसका स्टाइल हमने पहले भी डिस्कस किया था स्ट्रेस टन स्ट्रेस की जो उसकी रिदम uh, है उसको इस्तेमाल करके आयाम्बिक पेंटामीटर लिखा जाता है एक और आपको एग्ज़ाम्पल आयाम्बिक का पढ़ के सुनाती हूँ एंड uh, ये हमने uh, ख़ुद लिखा है सो आई होप यू इट सच लवली लाइलिक्रिमजन टोन्स एज अ रेनबो ऑफ कलर्स फिल द स्काई Radiant and beautiful, soothes my bones, take me above the clouds so far and high. Captured in a moment of total bliss, wondering all the time what is life for, suspended in awe like a lover's kiss. Never felt like this to my very core. Love all around, and it's time I was found. Beauty everywhere, can't you see her smile? smiling at you and smiling all around it's time you gave love a chance for a while but leave me above the clouds here i'll stay i have found love in a different way. so apne rhyme rhythm dekha it's an example of a pen, uh, iambic pentameter and it's poetry about love and finding love or her kism ki love it's not just about the typical love. आ, उसको ढूंढे मुझे एक मख्तलि किस्म का मिल गया है इश्क जो है वो किसी और किस्म का है और मैं उसी में खुश हूँ बादलों में मुझे रहने दो तो बात जो है वो जो आपकी इमेजिनेशन है जो आपकी आइडियाज़ हैं वो किस खूबसूरती से किस अच्छे अंदाज़ से अशार के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है हम बात करते हैं फ्री वर्स पोएम्स की अब फ्री वर्स जो है वो एक नया तरीका है लिखने का इसमें कोई रूल्स नहीं होते हम जो हैं वो सिर्फ जो पिछले हमने बात की ना आई एम्बिक पेंटामीटर और मीटर्स और स्ट्रेस्ट और अनस्ट्रेस्ट और ये सब जो फ्री वर्स है ये किसी भी किस्म का रूल नहीं फॉलो करता और ज़रूरी नहीं है कि राइम या रिदम हो इसमें बट एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है एक एक्सप्रेस करने का एक अलग तरीका है एक बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात नहीं करता है। एक आर्टिस्टिक तरीके से बात करता है इट्स अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ पोएट्री यहाँ पर uh, uh, एक uh, जदीद तरीके से लिखे जाने की तरीका है अशार मगर ये जदीद तरीका भी जो है कई सालों से मौजूद है और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई विल शेयर एग्जाम्पल आफ्टर सी शिप आफ्टर विस्लिंग winds, after the white gray sails taut to their spars and ropes, below a myriad, myriad waves hastening, lifting up their necks, tending in ceaseless flow toward the track of the ship, waves of the ocean bubbling and gurgling, blithely prying, waves undulating, waves liquid, uneven, emulous waves. ग्रेट कोई ही राइम नहीं है कोई मैच नहीं हो रहा मगर बड़े क्रिएटिव तरीके से उसने अपने जो ख्यालत हैं अपने जो आइडियाज़ हैं जो अपनी लिखाई है वो प्रेजेंट किए इज वन ऑफ द ग्रेट फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग आप रूल्स को फॉलो किए बगैर एक पोएटिक तरीके से अपनी आ, कहानी या अपनी बात या अपनी निरेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं आई होप कि आ, आप जो है पोइट्री को आपने आ, समझा हो आई हैव बीन एबल टू शेयर थ्रू एग्ज़ाम्पल्स के होती क्या है आ, एक छोटे से हमारा जो यहाँ पर मकसद था आपके साथ पोइट्री से पोइट्री के बारे में बात करना वो यही था कि आपको थोड़ा सा एक टेस्ट दिया जाए फ्लेवर दिया जाए कि पोइट्री कैसे लिख लिख सकते हैं क्या होती है इसके फॉर्म्स क्या हैं एक आई होप कि आपको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ होगा ताकि आप अगर इसको लिखना चाहते हैं लिखते हैं तो और भी कोर्सेस कीजिए और भी जगह देखिए ऑनलाइन जाइए यू विल बी सरप्राइज़ कि जब आप गुरु डॉट कॉम या फ्री वर्क पर जाएंगे फ्री लांस पे जाएंगे या किसी भी और फ्री ऑनलाइन uh, जॉब साइट्स पे जाएंगे आपको बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलेंगी जो कि पोइट्स को ढूंढती हैं पोइट्री को ढूंढती हैं और ख़ास तौर पर जो आजकल का क्रिएटिव कंटेंट जा रहा है चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो चाहे वो ब्लॉग्स के लिए हो चाहे वो किताबों के लिए हो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो पोइट्री को ढूंढते हैं औरिजिनल पोएट्री को ढूंढते हैं अप्रिशिएट करते हैं सो आई होप यू राइट पोट्री एंड वी सी लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम यू थैंक यू